अभी 120 टच होने वाला है सीसी और 350 सीसी, कोई मैटर नहीं करता ड्रैग रेस में क्योंकि वो 150 सीसी है, बट उसका पिकअप वगैरह पूरा स्पोर्ट्स में बना हुआ है। तो यहाँ से अभी जो ड्रैग रेस है वो है अपनी R15 Version 3 और साथ में है रॉयल एनफील्ड की क्लासिक जो मेरी है BS3 मॉडल है वो, और ये BS6 मॉडल है, ठीक है। बाकी आपको स्क्रीन पे हो जाएगा कि अगर 64 होगी तो वहाँ पे मैं स्टार करके डाल दूँगा, और अभी थोड़ा सा सिनेमैटिक्स एंजॉय करो फिर उसके बाद रेस स्टार्ट करते हैं। तो भाई सबसे पहले ये देखो यहाँ से मैंने रैप उतार लिया कि आपको पूरा सा जो है वो स्पीड वगैरह दिख जाए, और सेम फुटेज आपको अब इसमें डबल फुटेज मिल जाएगी भैया के, उससे भी मिल जाएगी और मेरे से भी मिल जाएगी, भैया ने भी GoPro डाला हुआ है और मैंने भी डाला हुआ है, और थोड़े सिनेमैटिक्स के लिए यहाँ पे वो, और बाकी अब उन दोनों बाइक में भी ड्रैग रेस होगी। तो यहाँ से ड्रैग रेस तो यार एज यूजुअल R15 V3 आगे निकलेगी निकलेगी। जहां पे कट आएगा वहां रोक लेना। अभी मैंने 50K डाला और स्पीड ऑलमोस्ट 100 टचिंग कर रही है, और बस मुझे आगे चले गए हैं। यार मैं अपनी ये स्ट्रैप लगाना भूल गया था, स्ट्रैप की रेस करनी है तो यार ये स्ट्रैप लगाना चाहिए, तो स्ट्रैप को फिर टाइट कर लो कि आपके गले से कुछ है हो जाए तो जो हेलमेट है वो निकले ना, तो फिर से अब रेस स्टार्ट करेंगे वहाँ से। क्या करें और एक राउंड यहाँ से? हाँ यहाँ से वहाँ तक रुकना एक मिनट यार। तो अब यहाँ से फिर से एक बार टेस्ट कर लेंगे, और मैंने स्टैप वगैरह जो वो लगा लिया, ये फर्स्ट गियर में 40, सेकंड गियर में 60, थर्ड गेट पर 80,
फोर्थ गियर पे 110, ये फिफ्थ गियर लग चुका है। और आई थिंक मैं जब रिकॉर्ड यार, इसकी वाइब्रेशन बहुत ज़्यादा होती है बुलेट में। यही है कि अगर आप हाई स्पीड चलाते हो तो वाइब्रेशन बहुत ज़्यादा, अभी 120 टच होने वाला है। 120 जा रहा टॉप खाली। कितना? 120 गया जाते चढ़ाई आते ढलान है यार। अभी ये बहुत हिटअप हो रहा है, तो एज यूजल यार वो स्पोर्ट्स बाइक है। 150 सीसी और 350 सीसी कोई मैटर नहीं करता ड्रैग रेस में, क्योंकि वो 150 सीसी है, बट उसका पिकअप वगैरह वो पूरा स्पोर्ट्स में बना हुआ है। और ये था जो अपना 350, ये क्या है, ये टूरिंग के लिए और थोड़ा पिकअप वगैरह तो उसका ही ज़्यादा, बट जो स्ट्रेंथ रखता है वो ये वाला बाइक ही रखता है। बाकी जीता तो अभी एज यूजल वही है। तो बड़ा कहते हुए बड़ा अफसोस लग रहा है कि 350 सीसी हार चुका है और ये जीत चुका है। तो मिलते हैं आपको एक और इसके अगली रेस में, तब तक के लिए वीडियो को लाइक कर देना और चैनल पर नए तो चैनल को सब्सक्राइब कर देना। होप यू लाइक दिस वीडियो, गिव इट अ बिग थम्स अप, और चैनल पर नए तो चैनल को कर दो सब्सक्राइब। अगले वीडियोस देखने के लिए अगली ट्रैक रेस का थंबनेल जो है वो आपको इस वीडियो के एंड में मिल सकता है, या आप वीडियो चेकआउट कर लेना अगर मिल जाएगी तो। सो बाय बाय। 5 मिनट्स लेटर। अभी पॉकेट में डाल के बैठा हूँ, घंटा लग जाएगा बाइक स्टार्ट होते, वो आई है ना पकड़ी जाने लगे ना वो। चलो हाँ आगे आगे खड़े होते हैं आगे। वो जा रही जिप्सी बजा रही है, ये एक भी है ना दूसरी, और दूसरी आ गया पुलिस। वो देखो वो जा रही है दोनों जिप्सीज, वो रुक गए थे। मेरी साले साक्ष्य उठा दी, वो कहाँ पे है? मैं वो भाग गया है, वो किधर भागा? वो किधर गया? उसमें भैया वहाँ पे चले गए। और यार यहाँ पे तो यार रिस्क था, मैं पैर चाबी पॉकेट में डाल के बैठा हूँ, घंटा लग जाएगा बाइक स्टार्ट होते, वो आई है ना पकड़ी जाने लगे ना वो। चलो हाँ आगे आगे खड़े होते हैं आगे। वहाँ पे नहीं थी, यहाँ पे किया ऑन यार, वो 300 ग्राउंड की उसकी बंद थी। मैंने किया पता क्या, जैसे मैंने देखा नहीं मन, तुमने बोला निकलो, मैंने बाइक स्टार्ट की, मां मुझे पकड़ते रहो, और मुझे रोड भी नहीं पता। बहुत कुछ होके टक से वापस आ सकते हैं यार गाइस, उस समय यार कैमरा ऑन नहीं था मेरा, नहीं तो यार जो जो सीन हुआ ना यहाँ पे क्रिएट, बाय गॉड यार।